10 जून की बात है, जब रांची में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद से रांची में एक बहुत बड़ा भयंकर बवाल हो गया। लोग हाथों में पत्थर लेकर के चल दिए सड़कों पे और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। नुपुर शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको पार्टी ने अब फिलहाल बर्खास्त कर दिया है, उनके एक बयान से, मोहम्मद पैगंबर के ऊपर में विवादित बयान को लेकर के रांची में कहीं ना कहीं यह विवाद भड़का और देखते ही देखते विवाद बहुत वृहद रूप ले लिया, जिसमें कई लोगों जो हैं वो घायल भी हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसी दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते से दंगाई जो है वो दंगा करते हुए नजर आ रहे थे, और उस भीड़ की चपेट में जो है बिहार के पथ निर्माण मंत्री की गाड़ी आ गई। हालांकि स्क्वाड करते हुए पुलिस जा रही थी, लेकिन पुलिस दूसरे रास्ते से चली गई और जो मंत्री नितिन नवीन का गाड़ी था वो भीड़ की चपेट में आ गया और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किसी तरह सीट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। लेकिन तब तक पत्थरबाज जो थे वो गाड़ियों के ऊपर में पत्थर चलाए और नितिन नवीन बाल बाल बचते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, लोग काफ़ी परेशान थे और बिहार में एक जिस तरीके से नितिन नवीन पर हमला हुआ, बिहार में एक चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया है कि आपके विभाग के मंत्री हैं, उनके ऊपर में इस तरीके से हमला हुआ है, तो नीतीश कुमार ने कार्रवाई करने की बात कही है। पहले सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, वो बात कर रहे हैं हमारे, ये झारखंड के डीजीपी साहब से लगातार कॉन्टेक्ट में हूँ और सारे बात कर रहे हैं। अरे ये बात जैसे ही खबर आई है वैसे ही ये लोग अलर्ट हुए हैं, तुरंत सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब देख रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी नहीं। तीसरे तो यहाँ से तो अधिकारी बात कर ही रहे हैं, दिखना चाहिए कहीं कोई कार्रवाई हो तो सरकार का काम है। हम लोग के यहाँ कोई घटना होती है तो तुरंत कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई होती। अगर वहाँ कुछ हुआ है, यहाँ के एक मंत्री के साथ हुआ है, तो यहाँ से तो सारी बात कही गई है, ये उनका दायित्व तो बनता है कि सब चीज़ को देखें। और नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करना अच्छी बात थोड़ी है। और ठीक नहीं, और देखिए हम लोग का जो मंत्री है यंग है, अब उसके साथ कुछ इस तरह की बात हो, इसलिए तत्काल वहाँ सारी बातें की गई है, कही गई है, देखने के लिए वो सारी बात कही गई है, सब बात लोग उसके लिए सक्रिय हैं, सब देख रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे बहुत ही यंग मंत्री हैं और उनपे अगर इस तरीके के हमला होता है तो बहुत गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकार है वो, हमारे जितने सारे अफसर हैं उन्होंने एक टीम बनाया है, टीम गठित करके वो वहाँ पे जाएंगे और उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिस तरीके से हमला नितिन नवीन पे हुआ है, जिस तरीके से उनके गाड़ियों के ऊपर में पत्थर फेंका गया है, नितिन नवीन ने कई बार अपने मीडिया में ये बयान दिए हैं कि हमने सीट के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई है। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और जो भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, मेरा नाम रत्नेश पांडे है और आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और NBC 24 के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।